दोस्तों साल 2006 में टीवी पर कई ऐसे सीरियल प्रसारित किए गए जिसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया और उन दर्शकों में बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती थी। उस समय प्रसारित होने वाले सीरियल में एक सीरियल था धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, जिसमें बहुत से कलाकार अपने अभिनय का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लेकिन इस सीरियल को बंद हुए आज 13 साल हो चुके हैं और 13 साल बाद इस सीरियल के कलाकार काफी बदल चुके हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कलाकारों से रूबरू करवाएंगे। चलिए मिलते हैं। नंबर 7, हर्ष राजपूत। हर्ष राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत पृथ्वीराज चौहान सीरियल में काम करके ही की थी। इस शो में हर्ष ने पृथ्वी के दोस्त पुंडीर का किरदार निभाया, लेकिन आज हर्ष पहले से ज्यादा बदल चुके हैं और वक्त के साथ ये आज काफी ज्यादा हैंडसम हो चुके हैं। वर्तमान में ये स्टार प्लस के शो नजर में अंश राठौड़ का किरदार निभा रहे हैं। नंबर 6, मुग्धा चाफेकर। मुग्धा चाफेकर ने इस शो में संयोगिता का किरदार निभाया। इस किरदार को दर्शकों द्वारा बड़ा पसंद किया गया। इस किरदार को करने के बाद मुग्धा काफी फेमस भी हो गई, लेकिन आज वक्त के साथ ये काफी ज्यादा बदल चुकी है। ये पहले से ज्यादा स्टाइलिश और खूबसूरत हो चुकी है। वर्तमान में ये जी टीवी के शो मशहूर कुमकुम भाग्य में प्राची मेहरा का किरदार निभा रही है। नंबर 5, चेतन हंसराज। चेतन हंसराज टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। इन्होंने इस शो में राजा भीमदेव का किरदार निभाया था और इस शो के बाद इन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कई शोज में काम किया। वर्तमान में टीवी के पॉपुलर शो राधा कृष्णा में रावण का किरदार निभा रहे हैं। नंबर 4, मेहुल व्यास। धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान सीरियल में मेहुल ने पृथ्वी के दोस्त संजम का किरदार निभाया और रजत टोकस की तरह मेहुल भी इस शो में काम करने के बाद काफी पॉपुलर हो गए थे। बता दें कि 13 साल बाद आज मेहुल पहले से ज्यादा बदल चुके हैं और बहुत हैंडसम हो चुके हैं। नंबर 3, लवीना टंडन। लवीना टंडन ने इस शो में चमकी का किरदार निभाया। इस शो के करने के बाद लवीना का नाम टीवी इंडस्ट्री में पॉपुलर हो गया। इस सीरियल के बाद लवीना टीवी इंडस्ट्री के कई सीरियल्स में नजर आई, जिनमें से एक था जोधा अकबर। जोधा अकबर सीरियल में लवीना ने रुकैया बेगम का किरदार निभाया और आज लवीना पहले से ज्यादा बदल चुकी है। आज ये पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आती हैं, जैसा कि इनकी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। नंबर 2, अनस रशीद। अनस रशीद ने इस शो में पृथ्वीराज चौहान का लीड कैरेक्टर निभाया था। इस शो के बाद ये टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय शो में नजर आए, जिनमें सीरियल दिया और बाती हम का नाम शामिल है। आज 13 साल बाद अनस रशीद भी काफी ज्यादा बदल चुके हैं, जैसा कि इनकी तस्वीरों में आप देख पा रहे हो। नंबर 1, रजत टोकस। इस सीरियल में जिस किरदार के अभिनय को सबसे ज्यादा पसंद किया गया था वो पृथ्वीराज चौहान के बचपन का किरदार निभाने वाले अभिनेता रजत टोकस का था। इस सीरियल में इनके अभिनय को सबसे ज्यादा दर्शकों द्वारा पसंद किया गया। इस शो के बाद ये टीवी के कई लोकप्रिय शो में नजर आए, जिनमें नागिन 3 और जोधा अकबर जैसे सीरियल शामिल है। आज वक्त के साथ रजत टोकस भी काफी ज्यादा हैंडसम और फिट नजर आते हैं। तो दोस्तों, आपको इन सीरियल में इनका किरदार कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए और टीवी से जुड़े और भी अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।